सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के अभी हो चुके हैं 3:40। तो आज आप सोच रहे हो कि मैं इतना जल्दी कैसे उठ गया, तो भाई हेलो, आज हमें जाना है छोटी सी प्यारी सी राइड पे। तो आपको सारा व्यू दिखाऊंगा रास्ते का और कहाँ जा रहे हैं मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगा आपको। तो अभी बस जल्दी से अब हम रेडी होते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है, पूरा का व्यू दिखाऊँ तो आपको बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। तो अभी फ्रेश वगैरह और रेडी होके आपसे हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, अभी नहा धो के बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। तो टाइम हो गया है समथिंग 4:30 के समथिंग। ओ एक्चुअली टाइम कहोगे इतना एक घंटा कैसे लगा दिया। तो भाई मेरा कज़न भी मेरे साथ जा रहा है, वो आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगा। तो हम दोनों जाएंगे आधे आधे रास्ते बाइक चला के। सो अभी बाकी अभी हमने पैक पैक वगैरह कर दिया है, बाकी सब कुछ हो गया है। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मिलते हैं शूज़ वगैरह पहन के और बाकी सब चीज़ों के बाहर। सुबह जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल पी रहे हैं चाय। आपको कज़न से भी मिलवा लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे बैग पैक पूरे कर लिए हैं, ये हमारे बैग्स हैं और ये हमारे ग्लव्स हो गए और ये हेलमेट्स हो गए। तो अभी यहाँ से रवाना होते हैं निकलने के लिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। अभी हम आपको हमारी बिल्लो रानी से मेटअप करवाते हैं। तो बिल्लो रानी अपने रेडी हो गए जाने के लिए, तो पीछे चल रहे हैं फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। ये हमारे एक कज़न है जो कि यहाँ पे रास्ते ये चलाएंगे, फिर उसके बाद हम ट्रेन चलेंगे। फिर यहाँ से निकल चुका है मीटर का सुभाष चौक से डला लेंगे ना। बाकी देखते हैं चलना हाईवे पर, चल के देखते हैं ना। अभी तो बहुत है, बाकी टैंक फुल फिलअप कराएंगे पूरा का पूरा, फिर हम आगे चलते हैं। बाकी अभी आगे का भी दिखाता हूँ मैं आपको। यार यहाँ पे टैंक फुल कराते हैं, पावर वाला चाहिए आगे चला के। चल पावर वाला डलाएंगे भाई, पावर वाला है, पावर पावर चल आगे चलो, वो पावर वाला डलाएंगे। ये कोई फायदा नहीं है इसका डलाने का यार, पावर वाले से ना एवरेज सही आती है। तो बस यहाँ पर तो मिला नहीं था, दूसरे फ्यूल डे जा रहे हैं। पावर है, पावर पावर है भाई साहब। ये जानते गाड़ी की कदर इतनी महंगी खरीदी है तो ये चीज चलनी चाहिए। चलो फिर लेंगे अंदर पावर डाल दे, नहीं नॉर्मल डाल दे साहब, मैं जा रहा हाथी पे बैठा है यार, तो देख तू क्या कह रहा है इसको। हेलमेट भी पहन लिया
लिया हमने बाकी, क्योंकि आगे अभी नाके वगैरह मिलते हैं मॉर्निंग के टाइम भी। तो अभी यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप अपना होगा 100 किलोमीटर के बाद, तो वहाँ का भी हम रेस्टोरेंट का कुछ करेंगे जब हम बाकी जाम लोग। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा अभी हमने स्टे किया है एक बार, तो क्योंकि थोड़ा सा पानी वगैरह पीना था, प्यास वगैरह लग रही थी। तो यहाँ पर हम झज्जर क्रॉस कर चुके हैं, इस टाइम झज्जर से आगे निकल चुके हैं। बाकी झज्जर वाले भाइयों को सभी को राम राम, जो मेरे झज्जर वाले भाई वीडियो देखेगा कोई उन सभी को राम राम। तो यहाँ पे ये हमारे भाई हैं जो आपको पहले फेस नहीं दिखाया था, फेस दिखा दिया। तो बाकी आगे की राइड चलते हैं अभी। तो अब थोड़ा सा बिल्लो रानी ने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, सो आगे की वीडियो मिलते हैं। बाय बाय। यहाँ पे भी होटल पे रुके हैं, बाकी देखते हैं आगे होटल वाले का खाना कैसा है। यहाँ पे तो शक्ल पूरी बिगड़ चुकी है बिल्कुल। तो हमारी वो बोरी हमारी धनो रानी वहाँ पे रुके हैं, तो देखते हैं गाइज यहाँ पे कैसा खाना होता है। बाकी आपको मेन्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ का बैठ कर। सो गाइज ये यहाँ का मेन्यू है। बाकी होटल तो ठीक ठाक लग रहा है, मतलब रेस्टोरेंट तो ठीक ठाक सा बना रखा है, किंग फैमिली ढाबा। सो देखते हैं गाइज यहाँ पे क्या सिस्टम है, ऐसा खाना है। बाकी अभी तो हम नॉर्मल ज़्यादा हैवी नहीं खाने वाले, सो यहाँ पे मिक्स पराठा मंगाया हमने और साथ में दही मंगाई है। तो भाई देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। बाकी अभी मिलते हैं भाई, हमारे खाना लेकर आएंगे जब मिलेंगे आपसे। चलो सो गाइस भैया हमें अचार तो दे गए हैं और बाकी प्लेट दे गए हैं खाली। बाकी अभी पराठा भी आ रहा है वहाँ से बन के भी। अनजान व्यक्ति का अंदर आना जाना मना है, रसोई घर है वहाँ पर उनका। तो ये भाई भी हमारे आ गए हैं, शक्ल थोड़ी बिगड़ गई है वैसे। तो अभी वैसे हम टोटल 120 किलोमीटर का समथिंग आ चुके हैं आगे। सो बिल्लो रानी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा वहाँ पे, बहुत देर से चल गया। और चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है। यहाँ पे भैया पराठे लेकर तो आ चुके हैं। बाकी देखिए बिल्कुल पराठे का तो वैसे स्मेल अच्छी कर रहा है वैसे तो, बाकी खाने से पता लगेगा। बाकी स्पेशल ये अमूल बटर की यहाँ पर स्पेशल उन्होंने पैकिंग दी है भैया, बाकी खाने से पता लगेगा। बाकी दही आ चुकी है और यहाँ पे अभी हम शुरू करते हैं नाश्ता। सो गाइस यहाँ से अभी नाश्ता करके हम निकल चुके हैं यार। तो बाइक थोड़ी देर लंबा चलाऊँगा बाइक, तो हमारी लखनऊ ने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया यहाँ पर। सो भाई भी हमारे रेडी हैं। बस यहाँ से अब निकलना शुरू करते हैं। बाकी यार खाना कुछ ज़्यादा खास तो नहीं लगा, बस हाँ ठीक ठाक था। बाकी होटल भी भाई का ये है किंग फैमिली ढाबा, किसी ने खाना तो खा सकता है। बाकी यहाँ पे तो ये कहाँ पे है वैसे, कौन सी लोकेशन पे अभी अपने? सो मैम के नियर में ये लोकेशन है। बाकी अभी वो फोन देख मैप लगाने लगे। सो गाइस अपनी राइड वैसे टोटल है 300 किलोमीटर यहाँ से गुड़गांव टू सिरसा। बस बाकी आगे का व्लॉग मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। बाकी आप I'm not afraid of the dark.
सिर साफ कर चुके हैं अपने घर पे, तो रास्ते में आपको व्लॉग दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो करंट में घर आके मैंने थोड़ा सा चार्ज लगाया, फिर उसके बाद व्लॉग की एंडिंग करने के लिए मैंने दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो बस बहुत मज़ा आया आज की राइड में। बाकी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, रेड कलर का होगा। थैंक यू गाइस, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।